मोदी सरकार के सामने इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है महंगाई। अगर महंगाई काबू में नहीं आई तो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई जो रफ्तार है उस पर अगर कोई ब्रेक लगा सकता है तो वो है बढ़ती हुई महंगाई। अगर महंगाई और सप्लाई चेन में बाधा, मतलब जो सामान की उपलब्धता है उसका कम होना, ये दोनों चीजें साथ साथ बढ़ती हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि बुरे दिन आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रूस और यूक्रेन युद्ध ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोरोना के बाद जब कई चीजें पटरी पर आने लगी थीं, तब अचानक युद्ध ने पेट्रोल से लेकर खाने पीने के सामानों की आपूर्ति पर ब्रेक लगा दिया। नतीजा ये है कि महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। रिजर्व बैंक ब्याज दर बढ़ाकर और सरकार ने गेहूं, चीनी जैसी चीजों पर एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर महंगाई को काबू में लाने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल ये नाकाफी साबित हो रही है। अगर ये स्थिति यूं ही बनी रही तो फिर भारत की जीडीपी का विकास उस तरीके से नहीं हो पाएगा जैसी की उम्मीद है। इस बार भारत की विकास दर 8.7% रही है, जो कि आईएमएफ के अनुमान से थोड़ी कम रही है। आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक 2022-23 में ये 8.2% रहेगी। उसके अगले साल यानी 2023-24 में इसका गिरकर 6.9% रहने की आशंका है। ऐसे में 5 ट्रिलियन के सपने को बड़ा झटका भी लग सकता है। जो ग्रोथ है, आईएमएफ ने अगर आशंका जताई है तो ये रेट्स जो है आशंकाएं रिवाइज होती हैं। हर एक 3 महीने के बाद इन चीज़ों में बदलाव आता है। जो व्यू है वो अभी का होता है, 3 महीने के बाद वो चेंज होके इससे उसमें चेंज आ सकता है। ABP News आपको रखे आगे।